नमस्कार, आप देख रहे हैं UP78 इंडिया न्यूज़। आज की बड़ी खबर पेश है आपके सामने कानपुर नगर से। आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है कानपुर नगर के बर्रा थाना क्षेत्र से, जहां पर बर्रा थाना के करही में रहने वाले दैनिक मजदूर शंकर लाल ने शासन एवं आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाते हुए बताया कि उनका विवाह सन 2021 में ग्राम ताजपुर थाना मंजनपुर जिला कौसम्बी की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ था, जिसका नाम आरती देवी बताया जा रहा है। यह भी बताया गया कि उनका एक 1.5 वर्ष का बच्चा है, लेकिन किंतु मायके वालों ने उन्हें वापस भेजने से मना कर दिया है। अपने बच्चे की और अपनी पत्नी के वियोग में असहनीय पीड़ा के चलते दिन गुजार रहे शंकर लाल ने शासन से अपनी पत्नी और बेटे को वापस बुलाने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि वह दैनिक मजदूर हैं और सब्जी का ठेला लगाते हैं और नम आंखों से निहारते हुए अपने एल्बम को देखते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि क्या नाम है तुम्हारा? क्या हो गया है भैया? हमारी बेटी चली गई है भैया। कहाँ चली गई है? वो अपने गांव चली गई भैया, आने के साइड। क्या क्या लेके गई है? जेवर पैसा सब लेके चली गई भैया। तुम क्या करते हो? लेबर कर रहे हैं भैया। कितने साल पहले शादी हुई थी भैया? हमारे भाई 2022 में हुई है। शादी के बाद कितने दिन यहाँ रही आपके साथ? भैया 5-6 साल हो गए भैया। कैसे मालूम पड़ी वो मायके में गई है? मायके जब भैया हम सब्जी बेच के जब दोपहर के घर आए भैया, तो अगल बगल वाले सब बताए कि वो चली गई था। तो उसके पास हम भैया फ़ोन किया तो बोलते हैं कि हम खादा फतेहपुर पहुँच। जब उनके मायके में बात की तो क्या बोले? बोलो आने के लिए वापसी क्या बोले भैया? वापसी भेजने के लिए नहीं कहते, कहते हम दूसरे जगह कहते हैं तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे। क्या मानते हैं, क्या मांग करते हैं शासन से? वो भैया ये कहते हैं कि मारगारी करेंगे, पहले मार डालेंगे तुमको, हम भगा लेगा भैया।